हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेहतमंद और खुशहाल होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त नैक। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूँ कि ये चैनल है होम मेकिंग, फूड रेसिपीज़ और लाइफस्टाइल व्लॉगिंग को लेकर। माइलो मेरा साथ दे रहा है अभी, क्योंकि उसको घूमने का मन होता है हमेशा सुबह सुबह, तो वो अपना घुमाई कर रहा है और मैं कार साफ कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी गए दिनों में, काफ़ी बारिशें आई है। बारिश है तो क्या कहेंगे, बस छींटे आए थे जिसने काफ़ी चीज़ें जो है वो बर्बाद की है। मे भी फसलों को भी बर्बाद किया होगा और घर में गंदगी तो ज़रूर से हुई है और बीमारियां भी बढ़ गई है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं ओट्स कैसे बनाती हूँ। पहले मैं सफोला के मसाला ओट्स लिया करती थी, तो उसमें ना कहीं एक स्मॉल ग्रेन और क्रश्ड ओट्स आते हैं, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा स्टिकी स्लाइमी सा ओट्स बनते हैं, तो वो ना खाने में मज़ा नहीं आता था। तो देन मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि चलो अब प्लेन ओट्स ला के देखते हैं, तो मैंने देखा उस ग्रेन काफ़ी बड़े बड़े थे। तो मैंने लिया है पैन में ऑयल, उसमें डाला है छोटा छोटा सा गार्लिक, उसके बाद अनियन, इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। और अनियंस जब सॉफ्ट हो जाएंगे तब इसके अंदर हम लोग टमाटर और हरी मिर्ची डालेंगे। एज ऑलवेज मेरा साथी माइलो आ गया है, आपने आवाज़ तो सुन ही ली होगी उसकी। तब मैंने टमाटर और हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दी है, उसको भी अच्छे से सॉटे कर दूंगी मैं ताकि वो भी अच्छे से पक सके। अब इसमें डालेंगे एक पिंच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है मटर, अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। इसको बॉईल आने के लिए वेट करेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे 1.5 कटोरी ओट्स। 1.5 कटोरी ओट्स डालने से ना करीब 3 प्लेट ओट्स बनके तैयार हो जाते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना बनाना चाहते हैं, उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये प्लेन ओट्स हैं, हालांकि ये भी सफोला के ही हैं, और दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन जो प्लेन ओट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे बड़े ग्रेन्स के साथ में होते हैं, उस वजह से उसका स्लाइमी टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं होता बनने के बाद में। अब मैंने इसमें डाला है 2 कप पानी और इसको हम लोग अच्छे से कुक होने का वेट करेंगे। दोस्तों कम तेल के लिए मैं हमेशा से नॉनस्टिक पैन्स ही यूज़ करती हूँ, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कहीं से वो क्रैक्ड और चिप्ड नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो नॉनस्टिक पैन एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है हेल्दी कुकिंग का। इसके अंदर नींबू डालने के बाद फिर से मैंने इसे मिक्स किया है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन रखनी है। आप जैसा खाना चाहें उसके अकॉर्डिंग इसको पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। धनिया बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आईज़ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सा पोषण होता है और बहुत जने अवॉइड भी करते धनिया खाना, तो धनिया ज़रूर से खाइए। लॉट्स ऑफ फ्लेवर्स होते हैं इसमें और बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी के भी पावर होते हैं इसमें। देखिए, देखते ही देखते जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए है ओट्स की वो बनके तैयार हो चुकी है। तो अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग, मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।